शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अबे जल्दी खोलो यार, हमारा दिमाग वैसे ही खराब है। हटो अभी। लड्डू, तुम्हें भी कोई साफ दे दिया क्या? अबे हो कौन? गुड्डू भैया, हम यहाँ हैं। ये जबरदस्ती घर में घुसा है हमको धक्का देके और यहाँ धूम मचा रहा है। तुम घुसने काहे दिए? अरे हम बोले इनको। और तुम काहे तन के खड़े हो बे? हम घर पे नहीं है तो घुसा है? संग्रहालय है क्या हमारा घर? अरे ऊपर तक तन के दिखा रहे हो, भाई से जैसी बॉडी बना लिए, लड्डू को डराते हो? काहे मारू मारी का साले, दोबारा दिखे ना तो इतना भी नहीं। तू कहां पे अबे कर रहा है? तो ये गुड्डू है ना? आहू का उगाड़ लेगा? हमारे साथ चल। काहे? अरे चल बताते हैं। अबे जाओ। तुम में से गुड्डू कौन है? अबे हम हैं गुड्डू। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? बोटानिकल गार्डन। अबे हो कौन हो तुम लोग? गुड्डू हमारे साथ जाएगा। नहीं हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ जाएगा। जाओ, हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। बड़ा डिमांड है यार हमारा। जाना कहाँ है? हो कौन तुम लोग? हमें एंटिक मोशाई ने भेजा है। हमें डॉन मारवाड़ी ने भेजा है। ओ तो हमें लश्कर ए तैयबा ने भेजा है। ये वाला अब बताओ क्या बोलते हो? बोलो नहीं बेटा, खोलो। खोलो क्या? अपनी पैंट। सबको पता चल गया है कलकत्ते में सोने का कुतुब मीनार हो गया है, तो सब दर्शन करने आए हैं, तो भागो। भाई साहब ऐसा है, आप लोग नाराज मत होइए, टॉस कर लेते हैं ना। अकड़ बक्कड़ बम्बी बोर असी नबी पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। सर, यू आर डॉक्टर साहब है का? थोड़ा बिजी, सिट बैठो। हाँ हम यहाँ ही वेट कर लेंगे। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन सर। किस लिए? गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ गया सर। गुड फॉर यू, रुम्मा नल लड़के वो मैं। सॉरी। हेलो अखिलेश। हाँ। वो बेगन मुर्गन आया। मेरा पप्पू बना है, वो उधर है, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ उसको। तुम उसको रोक के रखो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, शीघ्र मांगा। ओके बॉस, क्या बताऊं साला, हाथ आते आते रह गया। लड़के थोड़ा थक गए हैं, बस दो दो अंडे और एक चाय पी लें। अब बैठ। मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए रखा है? अबे एडी के बच्चे, अगर आज गुड्डू की गन मेरे गले में लटकी हुई नहीं मिली ना, तो सालों मैं तुम सब की गन काट दूंगा। चलो भाई चलो। हाँ सर, गुड्डू की गन मिला? वो तो भाग गया। अगर वो गन मुझे नहीं मिली ना, तो मैं तुम सबको गन से उड़ा देंगे, समझे? अरे हराम खोरो, चलो। सॉरी, नो प्रॉब्लम। सरिता, सरिता। इन्हें? हाँ। अखिलेश। कहाँ हो? अयो, इधर ही तो था, किधर गया? पहले कहता हूँ। रेड कुर्ता, ब्लू जीन्स, गुड फैशन सेंस है। सरिता।
नमस्ते सर, हम लोग वाबा थिएटर ग्रुप से हैं। नाटक के लिए चंदा चाहिए सर। हैं? अबे तुम्हारी चंदा मामा रात को निकलेंगे, अभी सूरत से ही काम चलाओ, हटो। क्या भाई, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलेगा क्या? आगे चल। सॉरी। अबे यार तुम, उफ की भीषण धक्का। अरे सॉरी, वो धक्का दे दिया हमको यार। कोनो व्यापार ना, आपके सपोर्ट से ही खड़ा रहेंगे। अरे आप बस हिलना नहीं। अरे छोड़िए, बदतमीज आदमी है आप। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। प्यार है क्या यही? तुम कौन है भाई? मैं पत्रकार। कौन सी कार? अखिलेश रिपोर्टिंग। मंत्री पार्टी। मैं कोलकाता एक्सप्रेस। तो एक जाओ देख लो। अरे हटाइए, क्या एक बार देख लूं? अबे क्या भगवान पर कटू है क्या? एक एक करके सब देखेंगे। अरे तुम लोग एक काम करो, एक एक करके कहा देखते हो? मैडम जी एक्सक्यूज मी, साले सब एक साथ देख लो, देखो 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 देखो, देखो क्या बोलते बोला? हाँ पागल हो गया, पागल हो गए ला है हम, देख लिए साला सुबह से दौड़ दौड़ के रख दिया हमको। चलो भागो यहाँ से, चलो चलो, सुबह से दिमाग खराब कर दिया, लेडीज को डराते हैं, साला सार में लड़का से महसूस नहीं करता अब। गेट आउट। अजी सुनिए, वो सब गुंडा लोग गया और हमारा शराब भी कुआं में जा चुका है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अपना शकल तो दिखाइए ना, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आप हमारा सच्चा। सच्चा साला फिर संतरी की तरह तन गया। अरे सुनिए, ये तो कितना तेज चलती है आप, एक दो 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 मिनट यहाँ रुक जाइए ना, दो मिनट बस। हाँ क्यों? अरे वो हमें बहुत जोर की लगी है। लगी है तो बर्फ लगाइए, मरहम लगाइए, हम क्या करें? अरे ऐसी वैसी चोट ना है, ये अंदरूनी चोट है। ये आवाज कैसी है? क्योंकि आप और हम पहली बार मिले, ऊपर वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहा है, इसे बजने दीजिए। रुकिए मत, अजीब आदमी। अरे अरे रुकिए, अरे रुक जा, वो जाने वाली, रुक जा वरना हमारा पॉइंट की लाहो होगा। हो गया छी। अरे रुक, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे रुकिए तो। ये क्या बदतमीजी है? अरे हम हाथ पोछ लिए हैं, साफ है, पर आपका मन साफ नहीं है। देखिए हमारी शादी होने वाली है, ये सब ठीक नहीं है, जाने दीजिए हमें। शादी? अरे गुड्डू भैया, अरे कहाँ है, कब से ढूंढ रहे हैं, ठीक तो है? ले गए, काट के ले गए। ए, हमारे भैया का काट के ले गए। हटिए, काटे नहीं है, वो नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया है? हो, डॉक्टर साहब का क्रीम काम कर गया है? नहीं। वो कौन है? वो काल भैरव की पोती है, उस बूढ़े के सांप से भी भयानक सांप है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें हम बाद में समझाएंगे, पहले पता करना पड़ेगा वो भूतनी रहती कहाँ है। हाँ बोलो। बॉस मैंने गुड्डू की गन चेक की, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। छुट्टी? तुम नर्स हो कि मेरी जिंदगी की नर्स हो? अब मैं अपने बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? हाँ कोलकाता के सबसे बड़े डॉन को चूजिया बनाया। भैया हम समझ गए, ये लड़की आपका सच्चा प्यार है, अब सब ठीक हो जाएगा। सच्चा प्यार हमेशा इतना ही कड़वा होता है क्या लड्डू? अरे भैया डोंट बी पेसिमिस्टिक, आइए। चिकन बम बम पचकम बम बम पचक।
नमस्ते बाबूजी। अरे बेटी कहाँ थी तू? मैं अदिति के घर गई थी। बेटी अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है, इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। जा 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 अंदर। जी बाबूजी। जा। अच्छा। ये देखो भैया, इसका शादी होने वाला है। अरे हम जानते हैं। कमाल है, हमारी चार सुंदर और सुशील बहनें अभी भी कुंवारी बैठी है और यहाँ इसका भी शादी हो रहा है। साले मतलबी, अब हम क्या करें? आप क्या करेंगे, जाइए उसके बाप को पटाइए, और कोई चारा नहीं ना है आपके पास, वरना पूरा जिंदगी आपको ये सोना का स्मगलिंग करना पड़ेगा। अरे नहीं रे, तुम उसका शकल नहीं देखेगा। देखे हैं भैया, बहुत अलग है, इट्स डिफरेंट। जाइए। जी नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्ते, हमें आपसे जरा दो मिनट बात करनी है। बाबूजी आज हम जल्दी निकल जाएं का? देखो 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? ठीक है बाबू। क्या चाहिए? जी आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमारा नाम गुड्डू है और हम आपकी बेटी काली से बहुत प्यार करते हैं, और अगर हमें ना मिली ना तो हम अपनी जान दे देंगे। तुम मेरी बेटी काली की ही बात कर रहे हो ना? जी। कब से जानते हो तुम उसको? यही कुछ पिछला 3 घंटा से। और 3 घंटे में तुम्हें उससे प्यार भी हो गया? 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे में राहुल सिमरन से विदेश में मिला, उससे प्यार भी किया, फिर भाई एयर पंजाब आया, उसकी शादी तोड़ी, बाबूजी से लड़ा और भाई रेलवे दुल्हनिया ले भी गया। और हम तो केवल बाप तक ही पहुंचे। ऐसी क्या खास बात देखी मेरी बेटी में? अब यही तो हम भी जानना चाहते हैं। क्या सोचने लग गए? सोच रहे नहीं बाबूजी, उका हुआ ना, कल रात को स्वयं काली माता हमारे सपने में प्रकट हुई और हमसे बोली कि बेटा गुड्डू, आज के दिन जो हमारे नाम की पहली लड़की तुमसे टकराएगी ना, वो ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। और हमारी किस्मत देखी, पर्वतों से आज में टकरा गया और आपकी बेटी काली हमें मिल गई। तुम्हें पता है अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है? जी हाँ, इसीलिए तो हम ऐन वक्त पे आ गए ना। लगता है कुछ और ही चक्कर है इस लड़के का। अरे क्या सोच रहे हैं बाबूजी, पूरे कलकत्ते में दिया लेके भी ढूंढेंगे ना, तो हम जैसा लड़का नहीं मिलेगा आपको। अरे नहीं नहीं, कुछ सोच नहीं रहे हैं। वो क्या है, तुम्हारा ये हिम्मत देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन की याद आ गई। बेटा एक हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो तो मेरी बेटी काली तुम्हारी हो गई। 10 लाख? क्यों नहीं है? तो 10 बस। हाँ हाँ। अरे 10 लाख तो हम यूँ चुटकी बजा के जमा कर लेंगे, तो 10 लाख दे दिए तो हमारी शादी पक्की। हाँ डील। पैसे मिलने के बाद हाथ मिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे चलिए कोई बात नहीं, पैसा लेकर ही। ये क्या है? ये कुछ नहीं बाबूजी, हमको मधुमक्खी काट गई थी। शादी करने के लिए इतना तरस गए हो कि मधुमक्खी के छत्ते में डाल दिया? ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। कैसी सोच है आपकी, हम 10 लाख रुपए लेकर आते हैं। लड्डू हम बर्बाद हो गए, अभी कैसे रहेंगे हम उस लड़की के साथ? भैया यहीं पे रहिएगा, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अबे हम उसकी शकल की बात कर रहे हैं, जो उसे एक बार देखता है ना उसका उठता नहीं, उड़ जाता है। भैया सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए। अबे हम तीरत पे ही ना चले जाए। एक तो ऐसी शकल वाली लड़की के साथ शादी करो, उस पे से उसे 10 लाख रुपए भी दो। वहां ऊपर वाले, तू जब भी लेता है ना थप्पड़ मार मार कर। 10 लाख? वो भी एक हफ्ता के अंदर अंदर। भैया इससे बेटर तो ये होगा कि आप उस लड़की को पटा लो और उसके साथ भाग जाओ। उसकी अगले हफ्ते शादी है, वो ना मानेगी। गुड्डू भैया आप तो इस मामले में सेक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी से आज तक कौन बच पाया है? हेलो जी, यस माय सेल्फ गुड्डू।
ओ गुड्डू प्यारी 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 आई लव यू बहन जी माता जी आंखों में चली ये जाए सारी रातें मेरी अरे हां सर पे चढ़ने वाली जवां फीलिंग तेरी के मुझे मार गई हर एक अदा किलिंग तेरी ओ दुनिया के रास्ते बड़े ही टेढ़े हैं मैडम आप प्लीज संभल के चलिए हर वक्त मेरी ये मजबूत बाहें आपको थामने के लिए थोड़े ही होंगी जी हाँ मैं चलता हूँ भगवान के दर्शन नहीं करेंगे हमारे तो दर्शन हो गए अरे काली तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढे क्या है हमारा पीछा क्यों कर रहे हो वो कहा है ना कि आज वैलेंटाइन डे है तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ वैलेंटाइन डे मनाएं अपनी शक्ल देखी है कभी रिपब्लिक डे भी मनाया है वैलेंटाइंस डे मनाने चले अब देखो काली हमारा दिल ना तोड़ो दिल वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे ना वो क्या है ना जी कि हम बिहारी हैं और बिहार में वैलेंटाइंस डे नहीं मनाते अरे ऐसा कौन बोला तुमसे हम भी तो बिहारी हैं और हम रोज वैलेंटाइन डे मनाते हैं अरे सुनिए ना काहे भागे चले जा रही हमारा मनोरंजन करने के लिए शुक्रिया हमारा घर आ गया अरे आप समझ नहीं रही हमारी बात हम बहुत सीरियसली कह रहे हैं अब शादी मनाएंगे हम आपके साथ आपने जो कहा वो हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं हर रोज कोई ना कोई ऐसा मजाक हमसे करता है पर अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आदत हो गई है वैसे भी अगले हफ्ते मेरी शादी है देखिए पहली बात तो ये कि हम मजाक नहीं कर रहे ना और दूसरी बात ये कि काहे आप ये शादी शादी लगाए रखे हैं एक बात बताइए ये जो लड़का से आप शादी कर रही हैं उससे आप सचमुच प्यार भी करती हैं का मुझ जैसी लड़की को प्यार करने का क्या हक है पर हाँ जो भी मुझ जैसी लड़की से शादी करना चाहता है उसकी इज्जत जरूर करती हूँ यही बात तो हम भी सोच रहे हैं साला कौन ससुरा है जो तुमसे शादी करने को मरा जा रहा है हमसे भी बड़ा मजबूर होगा खैर वेलकम बैक लिंगम रिटर्न काहे के बिहारी वैलेंटाइन एक लड़की तो पटा नहीं सके वो भी ऐसी लड़की जिसको कोई पटाना नहीं चाहे तो क्या करे नहीं पटी अब उसके बाप को ही पटाना पड़ेगा साला वो भी पैसा देकर अरे आप फिक्र नहीं ना कीजिए एक बहुत बहुत सॉलिड जुगाड़ है हमारे पास भैया आज तो चंदा दे दो कब से मांग रहे हैं अरे भैया तुम एक काम करो ना हमारे नाम से चंदा मांगना शुरू कर दो हम तुम्हें कट दे देंगे अरे हमें जरूरत है यार क्या कंजूस लोग हो यार अरे भैया चंदा ही देने को तो कह रहे हैं किडनी थोड़ा ही मांग रहे चप्पल से मारेंगे दे दो नाटक वालों को पैसा नहीं ना देते हम ये किडनी से हमें एक आइडिया है तुम्हारे पास तो दो है ना एक भेज देते आप भी ना अच्छा छोड़ो तुम जुगाड़ के बारे में बताओ ना अरे गुड्डू भैया यहाँ पे पीछे रोजाना मुकाबला होता है पंजा लड़ाई का पहलवानी का बॉक्सिंग का और मैनेजर हमारा दोस्त है अगर भाग लीजिएगा जीत गए तो 5 लाख रुपया इनाम है 5 लाख हाँ अरे तो फिर ले चलो लड़ा लेंगे हम भी पंजा गुड्डू भैया सोच लो भाग लेना है भाग लेना नहीं है अबे काहे भागे में भागे हमारे दुश्मन हाँ सही बात है चलिए फिर आज दिखा देंगे आइए तो चलो अबे तुम कहाँ ले जा रहे हो यार अरे चलिए तो सही कहाँ जगह है यार यहाँ से चलो हमें बड़ी गंदी वाली फीलिंग आ रही है तो भैया डरिए मत डर के आगे जीत अरे तुम यही रह गए अरे इधर आओ शांति शांति जैसा कि आप सबको मालूम है कि कच्छ के जंगलों से जो आया हुआ ई जनावर कच्छा सिंह ई बड़े बड़े पहलवानों को चित्त कर दिया है और जो कच्छा सिंह को हरा देगा उसको 5 लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा लड्डू क्या करो तुम गुड्डू भैया हम आपको और तकलीफ में नहीं देख सकते अबे साले तुम पगला गए हो क्या वे जान जोखिम में डालने का कोई जरूरत नहीं जान की बाजी लगा देंगे आपको आओ लल्लू आओ काहे फंसा दिए का नाम है तुम्हारा
गोवर्धन। गोवर्धन भैया हाँ। कहाँ से आए हो? घर से। अरे सभी घर से आते हैं, जंगल से कोई आते हैं? हम चंपारण बिहार से हैं। अच्छा बिहार से हो, तो तुम ही ने चुनौती दी है। अरे छोड़िए, कोई चुनौती नहीं दी है, धोखा हुआ हमारे साथ। नहीं, साला लड्डू उल्लू का पट्टा, चल घर चलो, तुम साले तुम्हें तोड़ेंगे आज। अरे पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं है। चले आते हैं बिहार से। अरे ओ मैनेजर, का बोले बे? अरे काहे इतनी बकर बकर कर रहे हो? इस साला शेर का फोटो लगाए तो खुद को शेर समझ रहे हो क्या? ये ताकत की बात हमसे ना करना, बिहारी हैं, मत्था घूम गया तो फाड़ देंगे साले। अरे तोड़ फाड़ नहीं करना है, कच्छा सिंह से लड़ना है, इसको हराना है। अरे तो बुलाओ कच्छा सिंह का, एक कच्छा फाड़ देंगे आज तो। अरे कच्छा सिंह आ जाओ, चलो साले, मैं यही खड़ा हूं इन लोगों के पीछे। बुलाओ बुलाओ। ये रहे हमारे कच्छा सिंह। सकल, तुम भी बोली को मिले थे का? अभी कैसा मुकाबला है? नहीं समझे गुड भैया, पहला कांच राव। लड्डू साला, इसको भी कोई हम जैसा शाप दे दिया यार। शाप का तो पता नहीं गुड्डू भैया, पर हमको हमको बहुत पाप लगने वाला है। दूसरा सिल्ली तोड़ो राउंड। तीसरा रॉड इज गॉन। आखिरी राउंड उबलता हुआ पानी।